कीर्ति परोहा, कक्षा 11वीं के बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले के प्रीवियस वीडियो में हमने आपके यूनिट 1 का जो चैप्टर है जीव जगत, उसके अंतर्गत अध्याय 1 को अच्छे से समझा था। मुझे आशा है कि आप सबने इसको अच्छे से समझ लिया होगा और उसकी पढ़ भी रहे होंगे घर पर। आज हम उसी अध्याय से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर करेंगे, जिसको आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करना है। और नोट बस नहीं करना है, क्या करना है, साथ साथ उसको अच्छे से लर्न भी करना है। अभी तक हमने आपको कितना पढ़ाया उसका जरा टेस्ट करते हैं और आप लोग उसको लिखेंगे भी अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से। तो पहला आता है अपना अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर। छोटे छोटे हैं, एक या दो वाक्यों में देना रहते हैं और इनको बहुत अच्छे से आप लर्न करिए, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जीवन की परिभाषा लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीवन संगठित अणुओं की ऐसी विशिष्ट स्थिति है जिसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, रासायनिक क्रियाशीलता एवं परिवर्तनशीलता पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप यह वृद्धि विकास संवेदनशीलता तथा प्रजनन आदि को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, सजीव क्या है। सजीव क्या है, इसके नाम में ही छुपा है जीव, जीव यानी जीवन, जीवन जैसी परिभाषा हो जाएगी इसकी। तो सजीव वह है जिसमें जीवन होता है और जीवन के लक्षण क्या है, अर्थात उसमें चलन, गति, पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्तेजनशीलता तथा जनन जैसे गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों अपन, मृत्यु क्या है। प्रत्येक जीव एक निश्चित समय आने पर उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, जिससे उसके शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल अपनी विज्ञान की भाषा में देखें, सभी जैविक क्रियाएं समाप्त होने को मृत्यु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, जैव विविधता अथवा जीवों की विविधता से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था और आप सबको याद भी होगा, बहुत ही सरल इसका आंसर है। क्या है, संसार में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के बीच, संसार में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, साथ ही साथ ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तो सारे आपको अच्छे से याद ही करना है। वर्गीकी से आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरी यूनिट है वो किस पर बेस्ड है, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी में। तो क्वेश्चन है, वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, विभिन्न जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े विभिन्न समूहों में विभाजित करना उसका वर्गीकरण कहलाता है। पहले वर्गीकी के पहले वर्गीकरण समझाना है, तथा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है वर्गीकी कहलाती है। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपको मैं समझाया भी था और आप एक बार और चाहे तो इसके पहले वाले क्वेश्चन का जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब तो हमने पढ़ा कि वर्गीकी क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन, व्हाई आर नेसेसरी टू क्लासिफाई द एनिमल्स या लिविंग बींग्स, वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है, या गिव एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन विथ एम, आप उसके उद्देश्य बताइए। तो जीवों को वर्गीकृत करने के 2 प्रमुख उद्देश्य मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी लिख के समझाया था, आपको याद भी होगा। तो पहला क्या है, अध्ययन की सुविधा, अर्थात अध्ययन को सरल बनाना। यदि हम किसी जीवधारी विशेष या उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो वर्गीकृत अगर किया हुआ है किसी जीव का, तो उसको अध्ययन करना हमें बहुत आसान हो जाता है। दूसरा है, विभिन्न जीवों के मौलिक या प्राकृतिक संबंधों को स्पष्ट करना, आपस में उनके प्रकृति से क्या संबंध है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। एक और उद्देश्य मैंने बहुत अच्छे से आपको मालूम होगा, पर्यावरण के अध्ययन की सुगमता के लिए भी वर्गीकरण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों,
जैव वर्गीकी क्या है, बायोसिस्टमैटिक्स क्या है, फिर से वही क्वेश्चन आया रिपीट, लेकिन नाम बदल दिया है तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की विभिन्न किस्मों अर्थात जातियों को उनकी जो विभिन्नताएं हैं, विभिन्न है यहाँ विभिन्नताएं, इसको आप विभिन्नताओं कर लीजिएगा, विभिन्नताओं तथा जाति वृत्ति संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैव वर्गीकी कहलाती है। मतलब इसकी परिभाषा भी वर्गीकी से मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ जीव विज्ञान आ गया, जीव शब्द जुड़ गया तो वो जैव वर्गीकी के अंतर्गत आ गया। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, वर्गीकी संवर्ग से आप क्या समझते हैं। तो वर्गीकी संवर्ग जो होता है वो एक सिंपल नाम बस नहीं है जिसको हम बोल रहे, वो एक सिंगल सोपान नहीं है, तो वर्गीकरण एक एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, इसमें कई पदानुक्रम सोपान होते हैं, ये ध्यान रखना है। वर्गीकी क्योंकि नाम है संवर्ग, संवर्ग का अर्थ होता है साथ में बहुत सारे, तो जिसमें प्रत्येक सोपान पद या वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गीकी की अवस्था है जिसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, इस पद या वर्ग को हम टैक्सॉन भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिए, ये अधिकतर पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है भी ये, क्वेश्चन नंबर 9 देखें बच्चों, वर्ग क्या टैक्सॉन किसे कहते हैं। तो वर्गीकी संवर्ग में प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को दिखाता है, यानी वर्गीकी संवर्ग की एक इकाई मात्र को क्या कहते हैं, वर्ग या टैक्सॉन कहा जाता है। मैंने आपको वर्गीकी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में दिखाया था, इस प्रकार से आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में इसके टैक्सॉन शो हो रहे थे, अगर आपको याद ना हो तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जाति किसे कहते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। जाति उन जीवों का समूह है जिसमें क्या होता है, आकार की कार्य की एवं आवास एक दूसरे के समान होते हैं, और साथ ही साथ इनमें क्या होता है, परस्पर रक्त संबंध होता है। तो अब क्या हो गई परिभाषा, जाति उन जीवों का समूह है जिनकी आकार की कार्य की एवं आवास एक दूसरे के समान होते हैं, इनमें परस्पर रक्त संबंध होता है, और एक जाति के सदस्यों में परस्पर स्वतंत्र रूप से प्रजनन हो सकता है, होता है। क्यों, क्योंकि अपन को मालूम है कि क्या करते हैं, अधिकतर प्राचीन काल से आ रही जो परंपरा क्या है, एक ही जाति में अपन शादी विवाह के संबंध किया करते थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हर्बेरियम से आप क्या समझते हैं। सबसे पहली बात, हर्बेरियम पौधों का वह संग्रह है, इसमें कौन से पौधे लिए जाते हैं, जिसमें पौधों को सुखाकर दबाकर कागज की शीटों पर वर्गीकरण की मान्य पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध करके भविष्य के संदर्भ हेतु अध्ययन के लिए रखा जाता है। अर्थात हर्बेरियम पौधों का वह संग्रह जिसमें हम पौधे को सुखाएंगे, उसको दबा करके कागज की शीटों में मान्य रूप से वर्गीकृत करके किस चीज के लिए रख देते हैं, आगे भविष्य के अध्ययन के लिए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, जैविक संग्रहालयों से आप क्या समझते हैं। मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से याद होंगे इनके आंसर, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा था और समझा था अपने वीडियोज में। तो देखते हैं उत्तर, जैविक संग्रहालय ऐसे स्थान हैं जहां दुर्लभ जीवों के प्रारूप, ये इम्पोर्टेंट शब्द है इसको नहीं भूलिएगा, जहां दुर्लभ जीवों के प्रारूप भविष्य के संदर्भ हेतु अध्ययन के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन ने कर लिया, अब अपन देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वर्ग की कुंजियां क्या है। बहुत अच्छे से आप सबको समझाया था मैंने उसमें, वर्ग की कुंजी एक कृत्रिम विश्लेषणात्मक युक्ति है, आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिजाइन, जिसका उपयोग किसी भी अज्ञात पौधे या प्राणी की पहचान में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अब कुछ मैंने आपको फुल फॉर्म उस समय प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे और कुछ यहाँ पर भी मैं दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ICBN का पूरा नाम लिखिए, गिव फुल फॉर्म ऑफ ICBN। तो
यहाँ पर आई डिनोटेड फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर कोड ऑफ, बी फॉर बॉटेनिकल एंड फॉर नॉमेनक्लेचर. तो क्या हो जाएगा इसका पूरा फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज नोन एज ICBN. आपको पैरेलल एक काम और करना है प्रीवियस वीडियो में से ढूंढ करके, ICZN का भी पूरा नाम लिखना है, इसी के साथ इसका भी नाम आपको देना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, NDRI का पूरा नाम लिखिए, फुल नेम ऑफ NDRI. डू यू नो, N फॉर नेशनल, B फॉर बॉटेनिकल, R फॉर रिसर्च एंड I फॉर इंस्टीट्यूट. तो पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. अब यहाँ आप सबको ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आंसर जो है बेटा, ये मैंने आपके लिए बहुत ही विशेष युक्तियों के तहत छाट के लाए हैं, विभिन्न स्टडी मटेरियल से इनको कलेक्शन किया है. आपको क्या करना है, पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और समझना है. दूसरी बार जब आप इस वीडियो का फिर से रिव्यू करेंगे तब आपको इसको साथ साथ बोलना है, और तीसरे टाइम पर आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है. मतलब 3 टाइम ना अगर आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, ये मान के चलिए कि आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे, और टाइम टू टाइम रिवाइज करना है. थैंक यू बच्चों. तो ये थे आपके अति लघुत्तरी और लघुत्तरी क्वेश्चन आंसर्स.